नमस्कार, आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि बारिश को कैसे मापा जाता है। बारिश या वर्षा को मापने के लिए एक खास तरह का यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है रैन गेज मापन यंत्र। इसे रैन गेज मीटर या साइमोन्स रैन गेज मीटर भी कहते हैं। सामान्य तौर पर यह यंत्र ऊंचे और खुले स्थानों पर लगाया जाता है। यंत्र को लगाने के लिए जो स्थान चुना जाता है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसके आसपास कोई पेड़, ऊंची दीवार ना हो। ऐसा करने के पीछे एक खास वजह है कि बारिश का पानी किसी वस्तु से टकराने के बजाय सीधे इस यंत्र पर आकर गिरे, जिससे बारिश की पानी की मात्रा को सही तरीके से मापा जा सके। मीटर यंत्र कैसा होता है? साल 1662 में क्रिस्टोफर ब्रेन ने पहला रैन गेज मीटर यंत्र बनाया था। रैन गेज मीटर यंत्र सिलेंडर नुमा आकार का होता है, जिसके ऊपर की ओर एक कीप लगी होती है। कीप की मदद से बारिश का पानी सीधे सिलेंडर यंत्र पर गिरता है। वर्षा मापी यंत्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें अधिकतर मिलीमीटर या सेंटीमीटर के रूप में वर्षा को मापा जाता है। आइए जानते हैं कि बारिश को कैसे मापा जाता है, कौन से इलाके में कितनी मात्रा में बारिश हुई है। जब इसे मापना होता है, तब बाहर के सिलेंडर को खोलकर बोतल में जमा पानी को कांच के भरे एक बीकर में डाल दिया जाता है। इस कांच के बीकर में मिलीमीटर या सेंटीमीटर में नंबर अंकित होता है। जितना मिलीमीटर पानी बीकर में आता है, वह बारिश का माप होता है। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा मिलीमीटर का माप होगा, उतना ज्यादा बारिश होगी। मानसून के समय दिन में दो बार बारिश को मापा जाता है। बारिश मापने का समय है सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। आपको बता दें कि इस काम में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, चूंकि बरसात का दिन है, इसलिए बरसात से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। वीक में एक या दो वीडियोस आपको फुल एनालिसिस के साथ अच्छे टॉपिक कवर करते हुए दिया जाएगा। यदि सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।